नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बेहद स्वादिष्ट और चटपटा करौंदे का अचार। करौंदा, जिसे कैनबरी भी कहते हैं, अपने खट्टे और तीखे स्वाद के लिए जाना जाता है और जब इसे भारतीय मसालों के साथ मिलाया जाता है तो इसका स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि घर पर आसानी से करौंदे का चटपटा अचार कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर अचार बनाने के लिए 500 ग्राम करौंदे लिए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एकदम ताजा करौंदे लिए हैं। करौंदों को यहाँ पर अच्छे से पानी में वॉश करके और इसे कपड़े से साफ कर लिया है। करौंदे यहाँ पर बिल्कुल भी गीले नहीं हैं और गीले अचार के लिए करौंदे गीले हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि करौंदे के अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले हमने जो करौंदे के ऊपर डंठल आता है, यह ऐसा वाला छोटा सा डंठल, इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर जितने भी डंठल थे करौंदे के ऊपर वो सारे कट करके और इसे दो दो भागों में कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम यहाँ पर करौंदे के डंठल सारे हटा लेंगे और करौंदों को यहाँ पर दो भागों में कट कर लेंगे। इस तरीके से दो दो भागों में करौंदों को कट कर लेते हैं तो ये करौंदे बहुत ही आसानी से कट हो जाते हैं। मैं यहाँ पर हरे वाले करौंदे का यूज कर रही हूँ। मार्केट में व्हाइट और पिंक कलर के करौंदे भी मिलते हैं, आप अचार के लिए उनका भी यूज कर सकते हो। टेस्ट तो उनका भी सेम ही होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये ग्रीन वाले करौंदे लिए हैं और उसे इस तरह से कट कर रहे हैं। तो अब सबसे खास बात यह है कि ये करौंदे अभी कच्चे हैं, इसका जो अंदर का बीज है वो पका हुआ नहीं है। ये देखिए, नाइफ की सहायता से मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बीज है, टाइट वाला बीज नहीं है, एकदम कच्चा बीज है। तो हम यहाँ पर इसे निकाल नहीं रहे हैं। सारे करौंदे को हमने यहाँ पर अच्छे से कट कर लिया है और ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से ये करौंदे कट हो गए हैं। अब हम इन करौंदों को 1 से 1.5 घंटे के लिए धूप में सुखाएंगे या फिर फैन के नीचे। फ्रेंड, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा आप यहाँ पर कर सकते हो। 1 से 1.5 घंटे के लिए या तो धूप में सुखा लीजिए या फिर आप फैन के नीचे सुखा लीजिए। इसके अंदर काटने के बाद जो मॉइस्चर होता है वो पूरा निकल जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर ये अच्छे से सूख चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसका अचार बनाएंगे। तो 1.5 घंटे के लिए मैंने यहाँ पर फैन के नीचे इन्हें फैला के रख दिया था। अब यहाँ पर अचार के लिए कुछ मसाले लेंगे। तो सबसे पहले मैं 2 चम्मच ले रही हूँ सौंफ। सौंफ से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अचार का। और 1 चम्मच हम ले रहे हैं दाना मेथी। 2 चम्मच हम लेंगे यहाँ पर साबुत धनिया और एक चम्मच के करीबन मैं यहाँ पर ले रही हूँ अजवाइन। और फ्रेंड्स, साथ ही में 1 चम्मच भर के मैं यहाँ पर ले रही हूँ पीली वाली राई, जो कि खट्टी होती है, अचार में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। अगर आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं, काली वाली सरसों आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर गैस पे कढ़ाई रख दी है। अब इन सभी मसालों को थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, यानी कि इनकी जो नमी वगैरह होती है वो निकाल लेंगे। तो हल्का सा मैंने इसे रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद में इनका स्वाद दुगना हो जाता है और इनसे बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है और ये पिसने में भी आसानी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर इन मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लिया है, इनसे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब फ्रेंड्स, मसालों को थोड़ा ठंडा करेंगे और उसके बाद में इसे दरदरा पीस कर तैयार कर लेंगे। अब हम यहाँ पर अचार बनाने के लिए कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल डाला है, 2 बड़े चम्मच सरसों के ऑयल डाला है। अचार अगर सरसों के ऑयल में बनाया जाए तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। ऑयल को यहाँ पर अच्छे से धुआंधार गर्म होने देंगे, ऑयल कच्चा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, गैस को फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर काली राई और हींग ली है। अब यहाँ पर गैस का फ्लेम तो फ्रेंड्स मैंने बंद कर दिया है, ऑयल को हल्का सा ठंडा कर लिया है। इसके बाद में मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं। अब सूखे मसालों में मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये कम तीखी होती है। और साथ ही में जो रोस्ट किए हुए मसाले थे उनको हमने यहाँ पर दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हमने यहाँ पर बंद कर रखा है और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले जलने का यहाँ पर कोई डर नहीं है, क्योंकि गैस का फ्लेम हमने बंद कर रखा है। सारे करौंदे मसालों में डाल के और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, जो कि हम रेगुलर यूज करते हैं, और 1/2 चम्मच में यहाँ पर काला नमक ऐड
ऐड कर रही हूँ। काला नमक डालने से अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए सारे करौंदे को मैंने यहाँ पर मसालों में अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए कितना अच्छा ये स्वादिष्ट अचार बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही दिखने में ही एकदम लग रहा है कि बहुत ही अच्छा अचार बना है। करौंदे के साथ साथ मैंने जार को भी पंखे के नीचे 1 से 1.5 घंटे के लिए धो के रख दिया था, यह भी अच्छे से सूख कर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम यहाँ पर अचार को भर देंगे। फ्रेंड्स सबसे खास बात यह है कि जार हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, एक बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा अचार ख़राब हो सकता है। थोड़ी सी भी अगर जार के अंदर नमी हुई तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से क्लीन करके और जार में इसे भर दिया है। अगर आप इस अचार को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हो तो थोड़ा सा और ऑयल गरम करके और इसे ठंडा करके इसे ऊपर तक भर लीजिएगा, अचार ताजा बना रहेगा और बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं इस अचार को यहाँ पर कुछ दिनों में ही खत्म कर दूंगी, तो मैंने यहाँ पर कम ऑयल का यूज किया है और इसे फ्रिज में रख देंगे तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगेगा।